सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस के बारे में कि उसमें से आज तक किस तरह के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और आगे किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है। और इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिट्टो कॉपी क्वेश्चन दिखाऊंगा कि वो पहले किस तरह से रिपीट हुए थे और उन क्वेश्चन को देख के आप हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों हमने NTA UGC NET दिसंबर 2019 एग्ज़ाम के लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में हम आपको दोस्तों सिस्टमैटिक ढंग से स्टडी करवाएंगे। इस ग्रुप में आपको हर रोज़ दो वीडियो मिलेगी, सुबह की जो वीडियो होगी वो थ्योरेटिकल होगी और शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और उनका मॉक टेस्ट भी लेंगे। इस ग्रुप में आपको दोस्तों 10 यूनिट के PDF स्टडी नोट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की PDF दी जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग से रिपीट होने वाले क्वेश्चन के बारे में और उनकी प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिखा देता हूँ जिसे देख के आप हैरान रह जाएंगे और मेरे से ये कहेंगे कि सर आपने ये वीडियो पहले क्यों नहीं बनाई। तो चलिए दोस्तों वो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर देखिए 22। इसके अंदर देखिए दोस्तों ये जो सीरीज़ ऊपर दी हुई है इसे आप एक और बिल्कुल अच्छे से देखिए, ध्यान में देखिए। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, इसके अंदर ABD DGK HMS MTB और SBL, ठीक है दोस्तों यहाँ पे आपने देख ली। और अब हम देखते हैं कि ये पहले कहाँ पे रिपीट हुई है। अब ये देखिए दोस्तों ये है हमारा नवंबर 2017 का क्वेश्चन पेपर, इसमें ही यही क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए ABD DGK HMS और आगे है MTB। दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आपको एक बार फिर से मैं ये दिखा देता हूं, ये देखिए दोस्तों इसके अंदर ये रहा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ABD DGK HMS MTV और इसमें जो है एक्स्ट्रा दोस्तों SBL दिया हुआ है। और इसके अंदर क्या था, इसके अंदर SBL नहीं दिया हुआ था, अगली सीरीज़ इन्होंने पूछी हुई थी। तो अगली सीरीज़ क्या है दोस्तों, SBL है। तो यहां से आप देख सकते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो कॉपी आप देख सकते हैं यहां पे रिपीट हुआ है। ये देखिए दोस्तों इसमें नवंबर 2017 के अंदर यहाँ पे MTV तक दिया था लेकिन जुलाई 2018 में इन्होंने एक और सीरीज़ आगे दे दी और इस सीरीज़ से अगली सीरीज इन्होंने पूछ ली। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से बिल्कुल डिट्टो कॉपी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। और दोस्तों हमने इसके अलावा भी काफ़ी तरह की वीडियो बना रखी है, जैसे कि टीचिंग से, रिसर्च से और कम्युनिकेशन वगैरह से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आज तक बिल्कुल डिट्टो कॉपी। तो वो वीडियो आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे लिए ओल्ड पेपर करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप ओल्ड पेपर करते हो, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, और उन्हें एनालाइज करते हो, देखते हो कि किस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम नेट क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों एक बात और मैं आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट बता दूँ कि जो हमारा ये पेपर हुआ था जुलाई 2018 का, इसके अंदर 18 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल डिट्टो कॉपी पीछे से रिपीट हुए थे, जिस तरह से ये क्वेश्चन है ऐसे ही रिपीट हुए थे, जिनको देखते ही हमें आंसर देना था। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से नेट क्लियर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप बार बार इन क्वेश्चन को करते हो तो ये हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाते हैं। चलिए देखते हैं हम, ये देखिए दोस्तों ये हमारा जुलाई 2018 में क्वेश्चन आया था, तो इसमें देखते हैं कि किस तरह से करेंगे। दोस्तों इसमें इस तरह से सीरीज़ दी हुई होती है और हमें देखना है कि अगली सीरीज़ क्या आएगी। दोस्तों इसके लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले जो डिजिट दी हुई है यहाँ पे ये इस तरह से आप लिख लीजिए सभी की सभी। और आप क्या करिए दोस्तों, जो लास्ट के दो अक्षर है जैसे बी और डी इसने दिया हुआ है, इनकी नंबरिंग लिखिए। और अपना पहले से स्टार्ट मत कीजिए, फर्स्ट से स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि
फर्स्ट से जो एग्ज़ामिनर है वो हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो हम लास्ट के जो दो डिजिट है उनसे शुरुआत करते हैं। अब देखिए, सभी की जो बीच की और लास्ट की जो डिजिट है उनके अक्स वो अंक हम लिख लेंगे। इसमें देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बी दो पे आता है, कल मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह से है ये। जी अपना 7 पे आता है, फिर एम 13 पे आता है, टी 20 पे आता है और बी फिर 2 पे आता है, ठीक है। इस तरह से हमने बीच की लिख ली। उसके बाद में लास्ट का जो अक्षर है उसकी लिख लेंगे हम। जैसे कि डी हमारा 4 पे आता है, के हमारा 11 पे आता है, एस हमारा 19 पे आता है, बी फिर हमारा 2 पे आता है और एल हमारा फिर 12 पे आता है। अब देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है। अब ये देखिए, जो बीच के दोनों अक्षर है इनके अंदर देखिए डिफरेंस कितने का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका डिफरेंस 5 का है। फिर आगे देखते हैं इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, आगे इसमें 6 का है। फिर आगे देखते हैं आगे इसमें 7 का है और फिर इन दोनों में 8 का डिफरेंस है। इस तरह से हमें इन दोनों में डिफरेंस देखना है कि बीच बीच के जो अक्षर हैं उनमें कितना डिफरेंस है। यहाँ से हमें पता चल रहा है यानी कि 5 का, 6 का, 7 का, 8 का और आगे जो अक्षर आएगा दोस्तों, अल्फ़ाबेट आएगा, उसके अंदर डिफरेंस कितने का होना चाहिए। 9 का डिफरेंस हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से अब हम नीचे देखते हैं, यानी कि लास्ट का जो अक्षर है डी और के अंदर देखते हैं। डी हमारा 4 पे होता है, के हमारा 11 पे, इस तरह से हमने लिख लिया ये। तो इन दोनों में देखते हैं तो 7 का डिफरेंस है और फिर के और एस के अंदर देखते हैं 8 का है, फिर एस और बी के अंदर 9 का है और फिर बी और एल के अंदर दोस्तों 10 का अंतर है। इस तरह से हम देख सकते हैं। तो अगला जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा, 11 का अंतर आएगा। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो बी है इसमें प्लस 9 करेंगे, बी और यानी कि बी में 9 जोड़ेंगे। बी अपना 2 पे होता है और 9 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 यानी कि के, यानी कि हमारा बीच का जो अक्षर होगा वो क्या होगा दोस्तों, बीच का हो जाएगा अपना के। और लास्ट का क्या होगा, लास्ट का देखते हैं हम। ये देखिए लास्ट का यहाँ पे एल है, एल 12 पे है और डिफरेंस आगे कितने का होना चाहिए, 11 का होना चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हैं 7, 8, 9, 10 और आगे कितना होना चाहिए, 11 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 12 के अंदर जब हम 11 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 हमारा हो जाएगा। और 23 पे हमारा कौन सा अक्षर आता है दोस्तों, आपको पता है हमारा आता है डब्लू आता है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं दोस्तों आपकी, हमारा जो आंसर आया है के और डब्लू आया है लास्ट के अंदर। के डब्लू केवल और केवल इसी के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। तो इस तरह से आप दोस्तों निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो आगे देखते हैं दोस्तों आगे कौन सा क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, ये भी हमारा जुलाई के अंदर आया था, इसे हम किस तरह से करेंगे। इसमें देखिए दोस्तों एक कोड दे देते हैं, वो कहते हैं कि इस कोड को इस तरह से, यानी कि इस तरह से लिखते हैं। तो इस कोड को कोलकाता को हम कैसे लिखेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर इन्होंने कहा है कि वाराणसी को हम इस तरह से लिखते हैं तो कोलकाता को हम किस तरह से लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर हमें क्या करना है। सबसे पहले हम वाराणसी और ये जो है डिजिट, इन दोनों को हम इस तरह से लिख लेंगे और फिर उनकी हम नंबरिंग देंगे। नंबरिंग देने के बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। ये देखिए, इन सभी की हमने यहाँ पे देखिए हमने इन सभी की नंबरिंग दे दी है और नंबरिंग के बारे में मैंने कल वीडियो डाली थी, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से हमें नंबर याद रखने हैं। और आगे फिर नीचे भी हमने दे दी है। तो अब इनमें हम डिफरेंस देखते हैं। अब देखिए, इन दोनों के अंदर डिफरेंस 1 का है, फिर आगे 2 का है, फिर 3 का है, फिर 4 का है, फिर 5 का, फिर 6 का, 7 का, 8 का। तो आगे जो, यानी कि आगे हमें जो डिजिट बनानी है आगे, तो वो कैसे बनेगी दोस्तों, उसके अंदर भी क्या होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का डिफरेंस होना चाहिए। यानी कि कोलकाता के अंदर हम क्या करेंगे, के अंदर हम 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, के कितने पे होता है अपना, 11 पे होता है और 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 नंबर पे अपना क्या आता है, एल आता है। और एल से दोस्तों हमारे कौन कौन से ऑप्शन बन रहे हैं, एक तो ऑप्शन नंबर 4 और एक ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है।
ठीक है, यहाँ से हमारे ये जो दोनों है ये यहाँ से कट हो जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं। आगे दोस्तों आप क्या कीजिए कि लास्ट के तीन अक्षर ले लीजिए और उनका निकालिए। ठीक है, ये जो लास्ट के ए टी है इन तीनों को ले लीजिए और निकाल के देखिए, और देखिए लास्ट में तीन किसके अंदर मैच कर रहे हैं। तो इस तरह से आप दोस्तों आसानी से जल्द क्वेश्चन निकाल सकते हैं। हमें सभी के सभी डिजिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम कोई भी चार या पांच निकाल के क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों, आगे कौन सा क्वेश्चन है। और आगे देखिए दोस्तों, ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो आसान ही होते हैं, लेकिन कई बार डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन दोस्तों अगर हम प्रैक्टिस करते हैं बार बार तो हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। अब इसमें देखिए दोस्तों, हमारे पास कोवलेंट दिया है और इसका जो कोड दिया है इन्होंने ये दिया है, और आगे हमें एलिफेंट का बताना है। तो देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कोवलेंट है, सबसे पहले अपना जो कोवलेंट है और ये जो कोड है ये दोनों हम यहाँ पे लिख लेंगे, इस तरह से लिख लेंगे। और उसके बाद में वही दोस्तों करेंगे कि हम इसमें नंबरिंग देंगे, सभी की सभी नंबरिंग देंगे यहाँ इस तरह से, और नीचे भी इस तरह से हम नंबरिंग देंगे इनको, और फिर हम देखेंगे कि कहाँ पे क्या मैच हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे सी है, तो सी का फिर ये डी कहाँ पे जाके आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और ये जो ए है ए का यहाँ पे बी आ रहा है, और ये 15 का फिर 16 यहाँ पे आ रहा है, 22 का 23 यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से आपको दोस्तों थोड़ा उसके अंदर देखना है, एनालाइज करना है कि कहाँ पे क्या मैच हो रहा है, क्या हमारी सेटिंग बन रही है, उस हिसाब से हमें क्वेश्चन को करना है। और दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो ये हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करके देखना, आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे ये। ये देखिए दोस्तों, इन सभी में एक एक प्लस किया हुआ है, सी के बाद में डी यहाँ पे आ गया, ओ के बाद में हमारा पी यहाँ पे आ गया, वी के बाद में हमारा डब्ल्यू यहाँ पे आ गया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्लस एक किया हुआ है सभी में, लेकिन उनकी जो पोजीशन है वो इन्होंने चेंज कर दी है थोड़ी सी। तो ये हमें देखना है कि कौन सी पोजीशन पे कौन सा अक्षर आ रहा है, तो इस तरह से हमें ये करना है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि हॉस्पिटल को इस तरह से लिखते हैं तो बायोलॉजिकल को किस तरह से लिखेंगे। तो इसके अंदर दोस्तों कुछ भी प्लस या माइनस नहीं हो रहा, बस इसके अंदर क्या है कि जो इसके अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, जो अक्षर की जो पोजीशन है वो चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एस कहाँ पे आ रहा है, एच कहाँ पे आ रहा है, ओ कहाँ पे लिख रहे हैं ये, आई कहाँ पे लिख रहे हैं, टी कहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये सारी की सारी पोजीशन आप यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों वही बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप कोशिश करके देखिए, ट्राई करके देखिए, जब बार बार आप क्वेश्चन करोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन हमें किस तरह से करना है। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।